मेहर में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का मेहर आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। स्वागत की कड़ी में जहां जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया, वहीं भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष सोनी के द्वारा राकेश सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर धीरज पांडे, पार्षद प्रमोद सिंह, संजय चौरसिया सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मंच से जनता को उद्बोधित करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि एक बार फिर से कमल खिलेगा और 200 सीटों पर पार्टी जीत हासिल करेगी। धीरज पांडे जी, संतोष सोनी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष अमित राय जी, जनार्दन शुक्ला जी, डॉक्टर बबलू जी, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, समय कम है, सागर पहुंच रहा है कार्यक्रम में, अभी मैहर में कई जगह जाना है, रोड में ही मैं नमन करता हूं। जैसा अभी अभी भाई नारायण जी ने कहा कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले माँ के चरणों में जाऊंगा, बाद में कोई दूसरे कार्यक्रम होंगे, लेकिन माँ के चरणों में यहाँ से नमन करते हुए, आशीर्वाद मांगते हुए, आप सभी कार्यकर्ता भाइयों से, मैहर की जनता से ये आग्रह करना चाहता हूँ, इस प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए ये आवश्यक है कि चौथी बार भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये सरकार तभी बनेगी जब भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता जनता के बीच में सेतु बनकर सरकार की योजनाएं एक हाथ में कमल निशान।